नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनल अपडेट आरबीआई असिस्टेंट 2019 के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये इस अपडेट के रिगार्डिंग, आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के रिगार्डिंग ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद मैं भी वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा भी ट्रस्ट चला जाएगा जो कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपका भी ट्रस्ट चला जाएगा। सो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट, डेट ऑफ द नोटिफिकेशन एंड द वैकेंसीज, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, जो कुछ भी पता चली हमारे सोर्सेज की वजह से। दोस्तों अभी तक ये वैकेंसीज जो आती थी, सॉरी अभी तक जो रिक्रूटमेंट आना चाहिए था वो किस लिए नहीं आया, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। शायद आरबीआई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनका नोटिफिकेशन शायद रिक्रूट इलेक्शन की वजह से हैम्पर हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन डेफर किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि रिक्रूटमेंट ये नॉर्मल प्रोसीजर्स होती है, रिक्रूटमेंट हर साल होती है, तो इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे नहीं होता है और इलेक्शन का भी इम्पैक्ट इसके इसके ऊपर नहीं होता है, तो आप रिक्रूटमेंट ले सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया। लेकिन फिर भी यदि आप ईएसआईसी का केस ध्यान में रखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ईएसआईसी ने इलेक्शन की वजह से महाराष्ट्र स्टेट का रिजल्ट पेंडिंग रखा है और 25 अक्टूबर को आ जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि आरबीआई इसी की वजह से यदि नोटिफिकेशन डिफर कर रहा है, तो नोटिफिकेशन आरबीआई असिस्टेंट का 25 अक्टूबर को आ जाना चाहिए। यदि वो उस दिन इलेक्शन का रीजन उनके पास नहीं है, तो 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर के अराउंड इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट दोस्तों मुझे मिली है वो है 4 दिसंबर, 99.99% ये डेट फिक्स है, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी आईबीपीएस के अदर एग्जाम्स लाइनअप थे, लाइक आईबीपीएस क्लर्क एंड आरबीआई ग्रेड बी के मेंस एग्जाम, तो उसी के लिए शायद उनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आईबीपीएस ने उन्हें 4 दिसंबर एग्जाम ऑफर एग्जाम डेट दिया है। तो ये ऑल डेट है दोस्तों। अब इसके बाद बात करेंगे, 4 दिसंबर को एग्जाम होता है तो एटलीस्ट आरबीआई हमेशा 40 दिन देता है, कोई से भी रिक्रूटमेंट हो, उसका ग्रेड बी का हो या असिस्टेंट का हो, तो 40 दिन पहले मतलब 24 अक्टूबर के पहले, तो 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर लगभग डेट मिलती जुलती लग रही है दोस्तों, इसलिए 25 अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली एक डेट ऑफ नोटिफिकेशन हो सकता है। यदि इलेक्शन का रीजन ना हो तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमें 20 से 22 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसी कितने आएंगे दोस्तों। 2018 में वैकेंसी नहीं थी, 2019 में डायरेक्ट आ रही है, तो आप सभी को पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बड़ा रहेगा, डेफिनेटली बड़ा रहेगा। तो कितने वैकेंसी एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, 2 साल एक रिक्रूटमेंट नहीं आया था, तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 3 डिजिट वैकेंसी जो ज्यादा रहेंगी, 900-2000। लेकिन यदि आपको 4 डिजिट की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है, तो आप आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 साल की वैकेंसीज नहीं आई थी, इसलिए तो ये बहुत बड़ा मौका है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 900 वैकेंसीज इस साल मिनिमम आ जानी चाहिए। और यदि हम महाराष्ट्र रीजन की बात करेंगे, तो आपको एटलीस्ट 350 वैकेंसीज यहाँ को देखने को मिल सकती है। तो शायद यदि बाहर के बच्चों यदि ज्यादा सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट के महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर सकते, तो जरूर फिल कर सकते हो, लेकिन आपको एलपीटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बहुत अच्छा लेवल का, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अच्छे लेवल का एलपीटी आरबीआई ने हुआ था, उसी की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, और उसके बाद इसलिए 2018 का नोटिफिकेशन डिले हुआ था और रिक्रूटमेंट नहीं आया था। तो आरबीआई ने भी ये डिसाइड किया कि एलपीटी में एलपीटी बहुत अच्छा लेवल का होगा, तो आप फॉर्म भरना चाहते हो तो थोड़ा सावधानी बरते फॉर्म भरते वक्त। अब बात आती है दोस्तों क्या पैटर्न में चेंजेस हो सकता है, तो दोस्तों पैटर्न में तो प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न तो फिक्स है ऑलमोस्ट, वो कभी चेंज नहीं होगा, कि मेंस एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं, तो वहां पे भी चेंजेस होने की गुंजाइश आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो बहुत लेस चांसेस है कि आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। सो आई होप गाइस कि आपको इससे अपडेट मिल गया होगा कि नोटिफिकेशन 20-25 अक्टूबर के बीच में हम देखने को मिल सकता है, 99.99% एग्जाम डेट 4 दिसंबर हो सकती है प्रीलिमिनरी की, और मेंस की एग्जाम डेट एट द एंड ऑफ और एट द सेकंड वीक ऑफ द जनवरी और एंड वीक ऑफ द जनवरी, बिकॉज सेकंड वीक के थर्ड वीक में उनका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम है और एंड में शायद आईबीपीएस एसओ का है, तो शायद सेकंड वीक ही मोस्ट प्रोबेबली मतलब 15th जनवरी की अराउंड इसका मेंस एग्जाम हो सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, गुड बाय।